तो आज की हमारी इस क्लास में हम एडवांस एक्सेल की न्यू वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू क्लासेस में हमने पहली क्लास में बात की थी कि किस तरह से हम अपना सिलेक्शन का यूज करते हैं। अब हम फाइल मेनू बार से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हर मेनू बार को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार, जब भी एक्सेल फाइल खोलते हैं तो आपको फाइल मेनू बार मिलता है। जब भी फाइल मेनू बार आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये होम का सबसे पहला ऑप्शन आता है। तो होम में क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो होम के अंदर में जो सबसे पहला होता है वो होता है ये आपके न्यू वर्कबुक ब्लैंक, और उसके अलावा जो रिसेंटली यूज टैम्पलेट्स होते हैं, उसके अलावा ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं आप यूज ले सकते हैं। उसके बाद रिसेंट ओपन बुक होता है, वो ओपन वर्कबुक होता है जो फाइल आपने रिसेंटली ओपन किया उसका लिस्ट आता है। इसके तीन कैटेगरी है, रिसेंट, पिन और शेयर विद मी। शेयर विद मी जिसने आपको शेयर किया है वन ड्राइव में जिसे आपने ओपन किया है वो होता है। पिन क्या होता है, अब जैसे रिसेंट फाइल देख लीजिए, रिसेंट फाइल आपका अपडेट होते रहता है। जैसे मैं एक फाइल और ओपन करूंगा तो फाइल पीडीएफ वाला नीचे चला जाएगा और ये जो है लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई फाइल को मैं बराबर ओपन करता हूँ, कोई पर्टिकुलर फाइल इसको मैं बराबर ओपन करता हूँ तो इस पर क्लिक किया जाए, ये पिन पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, अब लिस्ट से वो हटेगा नहीं, फिक्स हो गया, तो बार बार वही पे आएगा वो। हाँ, हमेशा यही पे फिक्स रह जाएगा, पिन में फिक्स रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ऐसा यूज कब करते हैं, जैसे कोई फाइल है जो कि आपके बहुत अंदर रखा हुआ है, हाँ, और फ्रिक्वेंसली आप उसको ओपन करते रहते हैं, हाँ। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे फाइल ओपन कर लेते हैं तो लिस्ट से हट जाता है। अच्छा, लिस्ट से वो हट जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेरी होता है ना, फिक्स तो नहीं होता है। हाँ, या जितना आपने खोला वही तो आएगा ना। आप मान लीजिए कि मैं अभी 20 फाइल ओपन कर, किसी ने फाइल भेजा और 20 फाइल आपने ओपन कर दिया, जो 20 फाइल आपने ओपन किया उसका लिस्ट आएगा ना, ये तो हट जाएगी भी लिस्ट से। तो जो मान लीजिए कि फाइल पीडीएफ वाला जो हमारा फाइल है ये तो मैं बराबर इसको ओपन करता हूँ, जो 20 फाइल हमने ओपन किया था वो टेम्परेरी था, ये तो हम बराबर ओपन करते हैं, तो इसको जब हम पिन कर देंगे तो पिन वाले लिस्ट पे चला जाएगा जो कि फिक्स रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। हटेगा कब, जब मैं इसको अनपिन करूँगा, यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। अच्छा, पिन वाला ऑप्शन वहाँ पे रहता है, हमको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करनी रहती है। जी जी, अगर ये फिल हमको बार बार खोलना है तो। जी, ओके। अब यहाँ न्यू पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक, इसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। अब टेम्पलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना, या किसी ने बोला कि मुझे एक वर्क ऑर्डर का या कैलेंडर बनाने के लिए मैंने बता दिया आप किसी ने, तो यहाँ पे इसके बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हमारा पावर पॉइंट पे रहता है वैसे ही। हाँ जी हाँ, जैसे यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक कर दिया आपने, सर्च भी कर सकते हैं आप, ये देखिए इतने तरह के कैलेंडर्स हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको जो टेम्पलेट चाहिए उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इसको यूज कीजिएगा तो आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ये सर ऑप्शन इंटरनेट कनेक्शन के से हो सकता है नहीं? ओके, ये नेट पे होता है, microsoft.com से डाउनलोड करता है। ओके, ये यहाँ पे आ गया जॉब वन, जॉब टू, और यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट कैलेंडर हो गया, कौन सा शिफ्ट चल रहा है, कौन सा फुल है। अच्छा, अगर हम मान लो कि इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमने इसको डाउनलोड करके यूज कर दिया और सेव कर दिया, हाँ, तब नहीं डाउनलोड कर लिया तो वो फिक्स रहेगा, ऐसे नहीं कि मानो कि बाद में इंटरनेट। देखिए जहाँ डाउनलोड कर चुके हैं उसमें देख रहे साइज बता रहा है, नहीं बता रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। जो डाउनलोड नहीं है, जो डाउनलोड नहीं है, जैसे कि देखिए मंथली मनी एक्सेल, यहाँ पे डाउनलोड साइज बता रहा है कितने फाइल का है। अच्छा अच्छा, जो डाउनलोड वो ऑटोमेटिक वो रह जाएगा, विदाउट इंटरनेट भी वो खुल सकता है। ओके,
उसके बाद हम ओपन पे आते हैं, तो ओपन में यहाँ पे बहुत सारे आपको लिस्ट मिलेंगे। जी होम में तो आपको बहुत कम फाइलों का लिस्ट था, बट ओपन में आपके पास बहुत सारे फाइलों का लिस्ट मिलेगा। और यहाँ में ओके सबसे टॉप पे आएगा आपका पिन का लिस्ट, जो पिन है वो सबसे लिस्ट टॉप पे आएगा। उसके बाद टुडे अच्छा, जो स्टडी, पिन, जो पिन क्या हुआ है। हाँ जो ओके पिन किया हुआ है सबसे टॉप पे आएगा। उसके अलावा बाकी जो है आपको इस तरह से वन बाय वन नीचे की तरफ नीचे। आएगा। ओके इसमें फोल्डर के लिस्ट भी होते हैं, आप यहाँ से फोल्डर का लिस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे फाइल दे फोल्डर सकते दोनों ओपन कर सकते हैं, दोनों ओपन है। ओके और यहाँ पे जैसे कि देखिए डिस्क पीसी है, वन ड्राइव है, ऐसे यहाँ पे ऐड पैलेस भी करेंगे तो अपना वन ड्राइव और बिजनेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे ब्राउज दे देगा, अपने हिसाब से जहाँ नेविगेट करना है नेविगेट कीजिए, वहाँ से फाइल ओपन ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ आती है इन्फो, इन्फो होती है फाइल की इन्फॉर्मेशन देती है। अभी ऑफिस में होता क्या है मैम कि आप कोई फाइल बनाते हैं, उस फाइल को आपको कुछ दिन बाद चेक करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने फाइल बनाया, अब यहाँ पे फाइल है, फाइल दिख रहा है आपको। अब मुझे इस फाइल का ये तो पता चल रहा है कि किस डेट को बनी है, साइज कितना है और किसने बनाया है, ऑथर आईपी टेक स्कूल दिख रहा है। अब प्रॉब्लम है कि इसके अंदर का डेटा नहीं पता चल रहा है। अब आप 2 4 5 दिन पहले बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन वही जो 6 महीने सालों बाद पहले जो फाइल बनाया उसको याद थोड़ी रहेगा। नहीं, और बहुत हम जो कॉमनली कभी कभी क्या होता है कि डेटा समरी जैन फैब बुकवान डॉक्यूमेंट इस तरह का नाम दे देते हैं, हाँ, सर्च मारिएगा तो आपने बुक वन सर्च रिलेटेड मारा सारे आ तो जाएगा। हाँ, बुक वन जितने भी बुक वन होंगे सब आ जाएगा, उस पर कंफ्यूज जाएंगे कि आपका बुक वन कौन सा है। कौन सा हमको चाहिए। हाँ तो अगर कोई फाइल आपने बनाया और आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में इसको आपको ओपन करना है, फ्यूचर में इसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में चले जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ शेयर, यहाँ पे एक मिनट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी इसके डिटेल्स में आइए। अब यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सैम्पल फाइल लिस्ट सब्जेक्ट VVA एग्जाम्पल हो। ठीक है, टैग डालना है टैग डाल दीजिए, कैटेगरी डालना है कैटेगरी डाल दीजिए, कमेंट डालना है कमेंट डाल, जो डालेगा सब दिखेगा। अपने हाँ हिसाब से जैसे हमको सर्च करने में सही रहेगा उसी हिसाब से उसको डिटेल हाँ डालना है। हाँ टैग में सर्च के लिए टैग डालिए। ठीक है ना, जैसे आप अच्छा इस फाइल को किस कितने नामों से और जानते हो तो उसका लिस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जब अप्लाई करके ओके कर देंगे, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, अब जैसे इस पर कर्सर ले जाएंगे ना आपको सुजी दिख से जाएगा। एक से, एक सेकंड है, एक सेकंड। हाँ जी हेलो हेलो सुजीत जी, ऑडियो आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी हेलो। हाँ सूजी जोड़ी आ रही है। हाँ रही है, तो ओके इसमें हम जो है कर्सर रखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख गया ना सैंपल सैंपल फाइल लिस्ट वीवीए कोड एग्जांपल को, तो मुझे इस फाइल को खोल के इसकी डेटा देखने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए मुझे बाहर ही मिले। अच्छा, उसके ऊपर जिस कर्सर रखने से डिटेल उसको दिख जाएगा। जी ओके, तो इसको करने के लिए हमको फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके डिटेल में सारी चीज़ भरनी है। जी जी हाँ ओके ठीक है ओके तो ये प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी आपको चेक करनी तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। सेव इंफॉर्मेशन दे हाँ इन्फो
सेव एज करना है तो आपको पता ही कि फाइल सेव एज कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें टाइप होता है, जैसे यहाँ पे एक्सेल टाइप होता है ना, ये टाइप को एक बार देख लीजिए। अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में सेलेक्ट किया तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फाइल में किसी तरह की कोडिंग ना हो, बीवीए कोडिंग जो होते हैं माइक्रो कोडिंग ना हो। ओके, अगर माइक्रो कोडिंग होगा तो आपका सारा माइक्रो कोडिंग डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक किसी तरह का माइक्रो कैरी नहीं करता है। ओके ओके, अगर माइक्रो वाली फाइल है उसको सेव करना है तो हमेशा उसको माइक्रो अनेबल वर्कबुक में करेंगे। ओके, माइक्रो कल कल जो आप बता रहे थे ना, वही माइक्रो जो बैकग्राउंड में कोडिंग होता है। जी हाँ। ओके ओके, उसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, जिसको मास्टर फाइल कहते हैं, जो 500-700 MB का होता है, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है क्या, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फाइल बहुत स्लो चल रहा है, तो आप जो है इसको बाइनरी वर्कबुक में सेव करें। बाइनरी वर्कबुक में सेव कर देंगे तो आपका फाइल का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। आपका फाइल का स्पीड जो है बढ़ जाएगा, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें डेटा होना चाहिए, बाकी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मूले वगैरह और की चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। उसके अलावा और भी टाइप है, इसमें पीडीएफ है, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, सीएसवी में, कॉमा सेपरेट में सेव कर सकते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट इसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ हमारे पास प्रिंट है, तो फाइल को प्रिंट करना है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको पेज सेटअप में बताएंगे। शेयर करना है फाइल को किसी मेल पे या फिर वन ड्राइव पे शेयर करना है, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ बहुत कम ही होता है। ओके, अगर आप पावर बी आई यूज़ करते हैं तो फाइल को पावर बी आई में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पावर बी आई का एक्चुअल मतलब क्या है? पावर बी आई एक टूल्स है जो कि डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स बिजला बनाता है, डेटा मतलब जैसे हम लोग एस ए पी में जो बी आई करते हैं, सेम टाइप का भी एक्सेल का कुछ जैसे बी आई का फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा एडवांस है। नहीं, हम जो एस ए पी भी काम करते हैं उसमें भी वो, एक टेक्निकल है, वो पीपट की तरह होता है ना आपका। हाँ, ये भी सेम है, लेकिन उसमें क्या है कि विजुलाइजेशन नहीं होता है ना, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह नहीं होता है ना, जैसे बहुत सारे चार्ट्स और डिजाइंस और बहुत सारी चीज होता है, फॉर्मूला वगैरह होता है, तो ये पावर बी आई के अंदर है ना। ओके, उसी एडवांस है। तो इसके लिए कोडिंग लिखना पड़ता है, अलग कुछ सेटिंग उस पर रहता है? आपके पास पावर बी आई के अकाउंट है, दोनों सेम अकाउंट है तो ये लिंक होता है। अच्छा, उसके लिए अकाउंट चाहिए रहता है। अब अकाउंट पे आते हैं, अब जैसे मान लीजिए ऑफिस 365 या फिर अभी जो लेटेस्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वो सारे ऑनलाइन अकाउंट से चलते हैं, अगर पायरेटेड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अकाउंट के सेटिंग कर सकते हैं। तो अकाउंट सेटिंग करने से फ़ायदा होता है क्योंकि आपको वन ड्राइव मिल जाता है, वन ड्राइव मतलब हाँ क्लाउड पे आपको 1 TB का स्पेस मिलता है। ओके, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से सारे ऑफिस के जो सारे वर्क होते हैं आई थिंक अकाउंट में होती होगी। हाँ हाँ। Okay. उसके बाद अपना एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, फीचर्स वगैरह आपको लगा कि किसी एक्सेल में अच्छा फाइल कोई फॉर्मूला आया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। व्हाट्स न्यू, कुछ नया आया है कि नहीं आया है तो यहाँ आपको इससे बता देता है, पता चल जाता है। ओके, पता चल गया तो कुछ न्यू आया, जैसे यहाँ भी न्यू आया है। एनालाइज द डेटा, इसके बारे में सीखना है तो लर्न मोड पर क्लिक कीजिए। ओके, तो इसकी वीडियो वगैरह ओपन हो जाएगी। अच्छा, कुछ अगर न्यू एडिशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली से पॉपअप आ जाता है ना। जी जी, ओके ओके ओके। उसके बाद फीडबैक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ आपकी प्रॉब्लम है, आप कुछ नया चीज़ चाहते हैं तो इसमें सजेशन में सजेस्ट कर दीजिए। अगर फिर वो सारा जमा होता है, प्रोग्रामर चेक करता है उसका, अगर उसमें लगा कि कोई यूनिक चीज़ है, कुछ नई चीज़ें हैं और डालनी चाहिए तो फिर आने वाले वर्जन में वो चीज़ डाल देता है। ओके, मतलब आप अगर कुछ इनोवेट करके करने से एक्सेल में कर सकते हो तो, जैसे मान लीजिए वीलू का फॉर्मूला है, अब वीलू का फॉर्मूला डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है तो आप यहाँ पे सजेशन दे दीजिए डुप्लीकेट वैल्यू। आप सेम प्रॉब्लम की सजेशन अगर बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है, अच्छा, तो फिर उस पर वो लोग माइक्रोसॉफ्ट काम करेंगे। ओके ओके, ठीक है ना। तो यूजर से इनपुट लेता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड होना चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं कि सर पहली दूसरी क्लास में आप ऑप्शंस क्यों पढ़ा रहे हैं, सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके,
क्या ना कि हम लोग बचपन बच्चा थे जो हम लोगों के पास मोबाइल मिलता छोटे वाले मोबाइल आता था तो हमारे मॉम डैड उसको टच नहीं करने देते थे, छूने नहीं देते थे, यूज नहीं करने देते थे कि खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा टिप देगा, कुछ ऐसा बटन दबा देगा तो फोन खराब हो जाएगा, सेटिंग गड़बड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे अलग चीज है, क्योंकि हम खुद मॉम डैड बन चुके हैं। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई नई चीज़ यूज करते हैं तो उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब नया फोन ही आप लेते हैं, उसका रिंग टोन, उसका वॉल पेपर, उसका अलार्म, एवरीथिंग जो है उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक्सेल जो आपको मिला है ग्लोबल सेट करके दिया है, ठीक है। तो हमें भी इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा, इसका रिंग टोन, इसका वॉल पेपर, हर चीज अपने अकॉर्डिंग सेट करना। तो इसके लिए हम सेटिंग पढ़ते हैं ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। अब सेटिंग में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी, कल मैंने बताया था आपको कि किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के किसी भी ऑप्शन के ऊपर कर्सर रखेंगे इसका स्क्रीन टिप्स आ जाता है। हाँ, फिर ये उसका टेल, क्या काम है। हाँ मतलब कि हाँ क्या काम है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे इसका हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो ये फीचर्स रिमूव कर देते थे ताकि सामने वाला बंदा जो है वो तुक्का ना लगा सके। तो कहाँ से करते थे रिमूव, हम करते थे एक्सेल ऑप्शन में, यहाँ डोंट शो स्क्रीन टिप्स। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सब सेटिंग्स को छेड़ना नहीं और आना ही चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए। जो सेटिंग चेंज करने से फायदा है या कहीं चेंज हो जाता है तो आप उसके बारे में जानिए। अब जैसे कि इसमें फॉर्म, तो टीचर्स के लिए सही है कि जो बच्चा भी काम करे उसको सीखने दीजिए कि ये उसको न पता ना चल कि क्या है। हाँ जी, ओके, तो हम टीचर के बारे में तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फील्ड तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की है, तो हम लोग तो फिर भी एग्जाम्पल जो देते हैं, मैंने जो भी है हम लोग अभी सीख। इंटरव्यू का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे फॉन्ट है आपका, राइट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट है आपका, कैलिबरी डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, बट आप अवेलेबल यहाँ पे फॉन्ट, डिफॉल्ट आ जाता है जैसे। हाँ तो आप कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि अपना खुद का फॉन्ट यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं एक बार करीब 2014 या 15 में मैं गया था यूपी में, एक यूपी की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप आइए ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि तो वहाँ के कोई कमिश्नर थे उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लिया था तो मुझे जानते थे, तो कहा ठीक है मैं गया ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मैंने पूछा कि आप लोगों को एक्सेल में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होता है, फिर 200 लोग बैठे थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, तो मोस्ट लोगों ने बोला कि सर मुझे प्रॉब्लम होती है हिंदी टाइप करने। हिंदी टाइप करने में? क्योंकि मेरा हम लोगों का मोस्टली काम हिंदी में जाता है, सिंचाई विभाग है ना, तो किसान हो अच्छा, सकता हाँ है हाँ तो लोग हाँ हिंदी हाँ यूज हाँ करते हैं, हाँ सीट बनाना, किसी तरह का हाँ सीट हाँ बनाना, प्रोफार्मा बनाना, कोई नोटिस हाँ बनाना, हाँ हाँ तो उन लोग मोस्टली हिंदी ही यूज करते थे। अब ओके होता क्या था कि हिंदी के फॉन्ट तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया था, हाँ अब हिंदी के फॉन्ट डाउनलोड होने के बाद भी प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ उनको हर सेल में फॉन्ट चेंज करना होता। अगर अच्छा उनको हर्ष, यहाँ हाँ हिंदी मान लीजिए A1 में हिंदी टाइप करना है तो A1 पे हाँ कर्सर रख के पहले फॉन्ट चेंज करेंगे, हिंदी अच्छा फॉन्ट करेंगे। हाँ जैसे मान लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे एरियल ब्लैक लिखना है तो अच्छा मैं यहाँ पे पहले एरियल ब्लैक करूँगा उसके बाद लिखूँगा ना ओके हाँ क्या, हाँ 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 तो अब मुझे यहाँ भी एरियल ब्लैक लिखना है तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा। अच्छा बार बार इसको चेंज करना पड़ हाँ रहा है। मुझे ओके अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक ये ब्लैक लिखना है तो मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर दूंगा, ओके लेकिन जब मैं नीचे मुझे लिखना होगा तो फिर वापस मुझे ब्लैक चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ चेंज हो जाता है। ओके तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उनका कहना था कि मेरा 90% काम जो है वो हमारा हिंदी में होता है, 10% हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं। ओके तो हमने यहाँ बताया कि आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ से चूज कर लें, ओके जो फॉन्ट चूज करेंगे आपका एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट वही रहेगा, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, आप मान लीजिए एरिया सेलेक्ट कर लिया या हिंदी का जो होता है देवकुटी वो चीज सेलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक्सेल सीट में नया पुराना सीट में पहले से जो टाइप है वो तो चेंज नहीं होगा,
जो नई शीट्स होंगी, नई फाइल होगी या सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम नेम टाइप है तो वो तो रहेगा ही रहेगा एयर ब्लैक, बट नीचे जो है डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज, ये जो व्यू होता है नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जब भी ये फाइल ओपन करते हैं तब कितने नंबर ऑफ शीट्स ओपन हो वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, एक हो, तीन हो, पाँच हो। ओके। उसके अलावा यहाँ आता है आपका ऑथर नेम। अभी अभी देखा कि हमने फाइल पे नाम लिखा, तो उसमें हमने देखा कि कर्सर रखते वहां पे हमारा ये आ गया। तो यहां पे ये चीज हमने यहां से यूजर नेम, अब यूजर नेम यहां जो डालोगे यार बाय डिफॉल्ट आपका लॉगिन आईडी होता है। अच्छा। जो आप विंडो की लॉगिन करते हैं ना, हाँ, वो लॉगिन आईडी होता है। अच्छा, जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करने के टाइम जो नाम दिखाते हैं वही रहता है। तो ऑफिस में क्या होता है, यूजर वन, एडमिन वन, इस तरह के नेम होते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट नेम मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। तो आप यहाँ अपना अपना खुद का नाम दे सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे ऑथर नेम खुद का क्यों देना है, ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आपने फाइल, मान लीजिए आपने फाइल भेजा अपने मैनेजर को, मैनेजर ने अपना आपका फाइल उठा के भेज दिया जीएम, तो जीएम जिस उस पर कर्सर रखेगा ना फाइल पे, तो पता चल जाएगा कि ये फाइल आपने बनाया, मतलब कि मैनेजर अपना पीठ नहीं थपथपाएगा कि हाँ कितना अच्छा फाइल मैंने बनाया है। अच्छा, मीडियम जो भी हो लेकिन वहाँ पे आपका नाम शो करेगा अगर हाँ। आप किसी को यूजर नेम पे अगर सिलेक्ट कर देंगे तो हाँ। मतलब कोई भी फाइल भेजो तो वही नाम रहेगा ही रहेगा। हाँ, मतलब कि हाँ कोई भी आप जो जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे ना, आप जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उस फाइल में आपका ऑथर नेम लग जाएगा। ओके, डिपेंड अपॉन यू, अगर आपको चाहिए तो आप इसी उसी फाइल पे आपका ये ना ऑप्शन में जाके सेटिंग चेंज करके, हर फाइल पे होता है ऑथर नेम, हर फाइल पे। ओके ओके, ठीक है, हर क्रिएटेड फाइल पे आपका ऑथर नेम होता है। ओके, उससे फायदा क्या होता है ना कि अगर आपने फाइल थर्ड पर्सन को दिया तो फोर्थ पर्सन को दिया तो फोर्थ पर्सन ये समझ जाएगा कि ये फाइल आपने बनाया है, थर्ड पर्सन ने नहीं बनाया है। ओके ओके, आपका नाम आ जाता है यहाँ पे, अपना नाम दे सकते हैं, चॉइस है आपके, देना जरूरी नहीं है एज पर यू प्लान। उसके बाद यहाँ से क्या है कि ये आपका ऑफिस का थीम अभी कलरफुल है, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया, अब मेरा ऑफिस पूरा ब्लैक मोड में आ जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, अगर मैंने यहाँ से ब्लैक हटाया और मैंने व्हाइट कर दिया तो मेरा ऑफिस व्हाइट मोड में आ जाएगा। ओके, अब मैं ऑफिस में आया, अगर मैं यहाँ इसमें व्हाइट की जगह पे कलरफुल कर दिया तो फिर वो कलरफुल हो जाएगा। उसके बाद हम ऑप्शन में आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, जैसे यहाँ पे आप आर वन सी वन करेंगे तो जो ए बी सी डी है वन टू थ्री में बदल जाएगा। अच्छा, ये कभी कभी जरूरत ऐसे पड़ती है कि ए बी सी डी वन टू थ्री में भी चेंज करना पड़े? हाँ, बस पड़ती है जरूरत कभी कभी। ओके ओके, तो यहीं पे जाके करना है फॉर्मूला पे, या किसी ने मान लो आपको चेंज करके ही दिया है। अभी देखिए यहाँ पे R1 C1 रेफरेंस स्टाइल रहता है, A1 B1 नहीं रहता, फिर R1 C1 हो जाता है। R क्यों होता है यहाँ पे? R for row, C for column, यहाँ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, R for C1, ओके ओके, हाँ। अब ऐसे आप अगर आपका होता तो A4 होता ना, हाँ 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 हाँ, तो कोई किसी ने आपको भेज दिया तो उसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इवन चेंज इट, अब यहाँ से चेक कर दिए चेंज हो जाएगा। तो ओनली सिर्फ रो और कॉलम का चेंजेस आ जाएगा? जी हाँ, ये देखिए आ गया एबीसीडी आ गया। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ एबीसीडी नीचे वन पे, अब यहाँ पे ए फोर आ गया। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। उसके बाद अब हम प्रूफिंग पे आते हैं, तो आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आप जैसे कि ये कर दो तीन दो दो चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। पहला चीज है कि आप यहाँ पे और कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डीएल का बना रखा है कि डीएल न्यू दिल्ली, मैं एक्सेल शीट पे डीएल मार लिख के स्पेस मारूंगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कर दिया एमएस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि मंथली सेल्स रिपोर्ट 2020, मैं इसको ऐड कर दिया।
अब मैं एक्सेल के किसी भी सीट पे एमएस लिख के स्पेस मारूंगा तो आप देखेंगे कि वो मंथली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट। तो एक्सेल की प्रूफिंग में आप जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आप अपने हिसाब से जो भी वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं ना साइंटिफिक वर्ड होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, ऐसे साइंटिफिक वर्ड को आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल कर सकते हैं, मैं अभी देखा पहले से डीएल था फिर मैंने एमएस ऐड कर दिया, ऐसे आप भी वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा हम जो ऐड करेंगे वो नीचे इसमें आ जाएगा। जी जी ओके। उसके अलावा इसमें आता है यहाँ पे होता है ऑटो फॉर्मेट मेनू टाइप, यहाँ दिख रहा है इंटरनेट नेटवर्क पाथ एंड हाइपरलिंक। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ अपना ईमेल आईडी लिख रहे हैं kumar@ipt.india एंटर प्रेस करें, देखिए हाइपरलिंक लग गया। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप डेटाबेस बनाते हैं ना तो इस तरह का ब्लू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मुझे किसी को चेंज करना है तो क्लिक हो जाता है, क्लिक होकर खुल जाता है व्हाट्सएप, सॉरी आउटलुक खुल जाता है। तो आपको क्या करना होता है, इसको जाके क्लियर करके रिमूव हाइपरलिंक करना होता है। तो मैं चाहूँ कि मैं टाइप करूँ तो हाइपरलिंक में कन्वर्ट ही ना हो, तो आप ऑप्शन के प्रूफिंग पे ऑटो करेक्ट में आइए और ऑटो करेक्ट में यहाँ ऑटो फॉर्मेट टाइप पे जाइए, इसको हटा दीजिए, ओके देन ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि kumar@iptindia.com एंटरप्राइज करूँ तो देखिए। अच्छा अच्छा मतलब मानो कि किसी का आइडिया हमने लिखा वो ऑटोमेटिक वो जी क्या बोलते थे इसको ना ले, हाँ और फॉर्म में हाइपर लिंक ना लगा दें, और मानो कि हम अगर हम वहाँ पे क्लिक करते तो वो डायरेक्ट उसी पे ही चला जाएगा है ना। हाँ यहाँ पे अभी नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, इस ऊपर वाले में होगा। अच्छा अच्छा इसमें क्लिक अच्छा, करेंगे वाला... क्लिक हाँ, करेंगे तो आउटलुक ओपन हो जाएगा, आउटलुक आपका ओके ठीक है। उसके अलावा इसमें सेव है, तो सेव में अपना डिफॉल्ट फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट किस में सेव हो आपका बाय डिफॉल्ट हमारा जो फाइल फाइल ओपन में जो सेव है वही है ना। हाँ हाँ और यहाँ पे डिफॉल्ट जिसे आप सेव करते हो तो माय डॉक्यूमेंट दिखता है ना, हाँ। तो माय डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हो कि क्या दिखे। फिर यहाँ लैंग्वेजेस वगैरह तो कोई खास नहीं, ये भी कुछ खास नहीं। एडवांस एडवांस में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हो तो कर्सर डाउन आता है तो आप यहाँ लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं। आप यहाँ इसको चेंज कर देंगे तो आप यहाँ पे 100 टाइप करेंगे तो वो हो जाएगा 1, मतलब तो जो भी नंबर टाइप करेंगे वो 200 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको इसको यहाँ इस पर जब क्लिक किया ना आपने इस पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने 500 टाइप किया तो 5 हो जाएगा, अगर आपने 50 टाइप किया तो 0.50 हो जाएगा। अच्छा मतलब ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसका इसका यूज़ कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरे एरिया में परसेंटेज लिखना है। अच्छा तो परसेंटेज में आपको क्या होता है कि 12% का सिंबल लगाना पड़ेगा ना, तब इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद कभी कभी क्या होता है हम ड्रैग ड्रैग पॉइंट हटाना होता है, कोई ड्रैग ना कर सके तो ये इसको अनचेक कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक बार आप अपने एंड से स्टडी कर लें, ठीक है ओके। आप इसको अपने एंड से स्टडी कर लें, स्टडी करने के बाद जो है आप जो है कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आपको जो समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हालांकि हर एक चीज़ जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं आप एक बार देख लीजिएगा ठीक है। उसके बाद इसमें कस्टमाइज रिबन होता है, तो कस्टमाइज रिबन जैसे कि रिबन आपका जैसे डेवलपर टैब मेरे पास आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस कमांड से ऑल कमांड यहाँ पे दिख रहा है, नॉट कमांड इन नॉट रिबन दिख रहा है आपको ना। अब इतने कमांड है जो कि ऊपर मेनू बार में है ही नहीं, तो अगर अच्छा, किसी अच्छा। कोई आपको ज़रूरत है सेलेक्ट कीजिए और अपने मेनू बार जिस मेनू बार का जिस ऐड करना है सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए, या फिर आप खुद के नए मेनू बार नया टैब क्रिएट कर सकते हैं, नया ग्रुप क्रिएट करिए। जो होता है ना जैसे होम हुआ, होम टैब हुआ, और इसके बाद जो ये था क्लिप बोर्ड फॉन्ट एक ग्रुप हुआ, तो आप अपने हिसाब से नया टैब नया ग्रुप बना सकते हैं। ओहो जैसे होम इंसर्ट पेज लेआउट उसी हिसाब से नया टैब बना के उसके हमको ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं। हम लोग मैक्रो वगैरह बनाते हैं तो नया टैब बना देते हैं।
सारे मैप को रख जो देते आपको भी हैं। बार बार यूज होता है उसी को आप उसमें ड्रॉप जी डाउन में जी डाल सकते जी जी हैं। क्विक एक्सेस टूल बार होता है कि जैसे यहाँ ऊपर देखे हैं ना, इस पर क्लिक करते फाइल सेव हो जाता है, इस पर क्लिक करते अनडू होता है, रिडू होता है, ऐसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है चार ऑप्शन। ऐसे और भी नया ऑप्शन डाल सकते हैं, अच्छा, जैसे मान लीजिए दो ओके। तीन कमांड ऐसे हैं जो कि बहुत यूज करते हैं, तो आप इसकी जगह यहाँ पे डाल दीजिए, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना होगा, मेनू बार के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वहां पे आ जाएगा। वो कहाँ से आ गया, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन पे पिवट, जाएगा मान लीजिए क्विक एक्सेस मुझे, टूल बार से। मान लीजिए ना मेरा पिवट टेबल मेरा काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो मैं पिवट पे गया, मैं आप पीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हो, बार बार पीवर्ड के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखिए पीवर्ड पीवर्ड क्लियर पिक्चर्स, ये इंसर्ट होगा पीवर्ड, वैसे इंसर्ट होगा, इंसर्ट पीवर्ड होगा, पिवट चार्ट जो होता है पिवट चार्ट। पता आना चले कि ये सारे जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, उसी हिसाब से आप डालेंगे इधर हाँ ना। जैसे यहाँ देखिए पिवट चार्ट है, पिवट चार्ट को लीजिए ऐड कर दीजिए, पिवट टेबल है यार, पिवट टेबल, पिवट टेबल को सिलेक्ट किया हमने, इसको ऐड कर दिया एलन, अब मुझे पिवट टेबल लगाना होगा तो इस पर क्लिक करूँगा, पिवट टेबल लग जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हमारा फाइल मेनू बार आज मैंने फिनिश कर दिया, आप अपने एंड से देख लीजिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने छोड़ दिया था, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं तो इसके अंदर। हाँ तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से तो आप मुझे बताइएगा, हम अगली क्लास में समझा देंगे, ठीक है। ओके 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 इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ाया, जो कि मैं आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा, जैसे पेज सेटअप हो गया, प्रिंट वाला ऑप्शन हो गया, हाँ, काम करने के टाइम अगर इसको पकड़ेंगे तो सही रहेगा। इसको सिर्फ अभी खेलना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है और किसका क्या यूज है। जी। अब कल से मैं आपका होम मेनू बार स्टार्ट करूँगा।